जय गुरु। चलिए, पूजनीय बाबा दया ने विद्यार्थी जीवन के बारे में कुछ बोले हैं, उसके बारे में सुनते हैं। जो विद्या हासिल कर चुके हैं और ज़िंदगी के दूसरे मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, यानी कि दो तले बढ़ने के लिए हम कूद कर नहीं बढ़ सकते हैं, सीढ़ियों पर पैर रखते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ये जो सीढ़ी पर पैर रखते हुए आगे बढ़ते हैं, पायदान पर पैर रखते हैं, चाहे वो पायदान पसंद हो या नहीं हो, फिर भी हम पायदान पर पैर या कदम थमाते हैं। तो आपकी विद्या कुछ भी हो, अर्थात जो काम मिल रहा है वो उत्कृष्ट नहीं भी हो, तो भी हम बोलते हैं ले लीजिए। यदि उस सीढ़ी के पायदान पर आप पैर रखेंगे तो दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसा करके यदि मंजिल पर पहुंच रहे हैं तो पहुंच जाइए। जो लोग कर्म जीवन में उतरने जा रहे हैं उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा, आप लोग ऐसा करके आगे बढ़िए। और एक बात है, सिर्फ कर्म में युक्त होकर ही आप आगे बढ़ रहे तो आप भगवान के साथ युक्त है, और यदि आप निठल्ले बैठे हैं तो मान लीजिए आप शैतान के साथ युक्त है। शैतान का ही पथ है चुपचाप बैठे रहना। इसलिए मैं कहता हूँ, कुछ तो कीजिए ज़िंदगी में, यही मेरा सलाह है। जो लोग काम करने वाले हैं, काम के लिए ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, यह सलाह है उनके लिए। जय गुरु।